तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं, मतलब आज सवाल सॉल्व करेंगे, जो कोलिजन है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोलिजन थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। अब उस पे बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन पे बेस्ड, वो हमें करना है। तो यहाँ पे देखो, आपको मान लीजिए बड़े सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं, फिर अच्छे सवाल पे जाएंगे धीरे धीरे। तो जैसे मान लो मैं आपसे बहुत ही सिंपल सवाल पूछूं कि एक जो है बच्चों 5 मीटर पर सेकंड से एक बॉल जो है वो ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे एक दीवाल है, ऐसा सोचो कि वॉल है, वॉल वॉल है, वॉल का मास बहुत ज्यादा है, ऐसा समझो ये पूरी की पूरी वॉल है, और ये पूरी की पूरी वॉल ऐसे खिसक रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। या फिर आप सोचो कि यहाँ पे ये पूरा बुलडोजर है, या इस बॉल के सामने ट्रक है जो कितने से जा रहा है बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो अगर ऐसी बात है और ये बोला गया कि बॉल और ये बुलडोजर या ट्रक या जो भी है वॉल है, उसके बीच में कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है बच्चों वो हाफ है, 1/2। तो आपको बताना है कि टकराने के बाद जो वेलोसिटी ऑफ बॉल है ना, वेलोसिटी ऑफ बॉल, या फिर इसको अगर आपने पार्टिकल 1 मान लिया, इसको पार्टिकल 2 मान लिया, तो टकराने के बाद जो फाइनल रफ्तार है 1 की, वो कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें V2 नहीं पूछा गया है। तो ये बात आपको समझना है कि जो V2 है वो पूछा भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है, तो इसकी रफ्तार में कोई अंतर नहीं आएगा। बॉल इससे टकराएगी, बॉल वापस हो जाएगी बच्चों। आप खुद सोचो, ट्रक से या बुलडोजर होगा या बहुत बड़ी वॉल होगी, अगर वो खिसक रही है तो उसकी रफ्तार में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है। यानी अगर इसको 1 पार्टिकल माना है, तो मेरे पास पता है कि जो U1 है, U1 वो 5 मीटर पर सेकंड है, और जो बड़ी बॉल है जिस, तो देखो बच्चों यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें, तो U1 हमें पता है फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, U2। अब क्योंकि टू सेकंड पार्टिकल जो है वॉल है या फिर बुलडोजर या ट्रक है, वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो उसका -10 मीटर पर सेकंड हुआ है ना, -10, क्योंकि डायरेक्शन मैंने आपको बताया था कि जब आप लगाएंगे तो वेलोसिटीज को साइन कन्वेंशन के साथ लेना पड़ेगा, है ना, वो वेक्टर फॉर्म में लिखी जाती है। अब हमें V1 टकराने के बाद पहले पार्टिकल की रफ्तार वो हमें निकालनी है, और V2 जो है उसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा पार्टिकल है, तो ये अपनी डायरेक्शन ना चेंज करने वाला है और उसके टकराने से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, तो ये अभी भी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, -10, है ना, मतलब लेफ्ट की तरफ। अब आप अप्लाई करो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला, आप जानते हो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज V2 - V1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज U1 - U2, और E की वैल्यू जो है वो हाफ है, तो V2 - 10 - V1 निकालना है, U1 5 और -10, है ना, ये -10 है तो -10 हो जाएगा, तो ये हाफ हो जाएगा। और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15, तो इधर जाएगा, तो देखो बच्चों कितना बचेगा, ये इस साइड देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, -10 - V1 इज इक्वल्स टू 15/2, और अगर हम V1 निकालेंगे तो -V1 15/2 + 10, तो ये आ जाएगा कितना बच्चों, 20 + 15, तो 35/2, तो V1 की वैल्यू आ गई -17.5 मीटर पर सेकंड। देखो माइनस आई तो इसका मतलब ये टकरा के पीछे जाएगा, है ना, लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो ये आपका आंसर है इस तरीके से। तो इस तरीके से बड़े सिंपल क्वेश्चन, आपको वेलोसिटीज पता होती हैं, कुछ चीजों में डाटा में ऐसा देते हैं, तो V2 आपको नहीं निकालना है, V2 आपको समझना है क्वेश्चन में कि V2 में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। मैं मतलब क्वेश्चन में नहीं बोला गया था ऐसा, लेकिन क्वेश्चन देख के आपको ये चीजें समझनी पड़ती है, और उसके बाद फिर आप इक्वेशन लगाओ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, तो आपको आंसर आता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो आई होप आपको क्लियर है ये क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब और कैसे क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछ सकता है कि मान लीजिए कि एक बॉल है इस तरीके से, और वो ऐसे आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से इंक्लाइंड, है ना, 10 मीटर पर सेकंड से, और ये इस तरीके से ऐसे आ रही है, और यहां पर एक बहुत बड़ी वॉल है, दीवाल है ना, ये वॉल है, और ये जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ये आपको दिया गया, और ये बोला गया है कि जब ये इससे टकराएगा, तो अगर मैं इससे नॉर्मल खींचूं ऐसे, तो ये एंगल आपको बोला गया है 37 डिग्री,
ये एंगल आपको बताया गया 37, और ये कहा गया कि वॉल और बॉल के बीच में जो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 1/2 है। तो अब आपको बताना है कि टकराने के बाद वॉल की वेलोसिटी क्या होगी, इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, है ना। तो अगर मैं बोलूं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन के बाद आपको इसकी रफ्तार बतानी है। तो कैसे बताएंगे, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझें। यहां पे जब टकराएगा तो ये बात आपको समझनी है। देखिए यहां पे मैं बता देता हूं कि जब ये बॉल ऐसे टकराएगी आते, तो इसमें जो नॉर्मल लगेगा वो तो ऐसे लगने वाला है, यानी अगर मैं ये लाइन खींचूं तो जिधर नॉर्मल लगने वाला है, जिधर फोर्सेस लगने वाले हैं टकराने पर, बॉल और वॉल के टकराने पर, उस लाइन को अगर मैं बनाऊं तो इसको बोला जाता है बच्चों लाइन ऑफ इंपैक्ट। इसको कहा जाएगा लाइन ऑफ इंपैक्ट, या फिर शॉर्ट में LOI, है ना। अब आप ये बताओ कि जब ये वेलोसिटी ऐसे नीचे आ रही है, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं बच्चों। अगर ये एंगल 37 डिग्री है, तो अगर ये वेलोसिटी ऐसे थे टकराने से पहले 10, तो ये भी 37 थे, तो 10 का एक कंपोनेंट इसे नीचे है, तो 10 cos 37, तो ये cos 37 वाला कंपोनेंट 8 आएगा, और एक ये जो है पैरेलल टू सरफेस ये 6 आएगा, 10 sin 37। तो आप खुद सोचो कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है टकराने के बाद जो चेंज होगा, क्योंकि फोर्सेस जिस डायरेक्शन में लग रहे हैं केवल वही चेंज हो सकता है ना, दूसरा कंपोनेंट थोड़ा चेंज होगा। एक्स डायरेक्शन में तो यहां पे कोई फोर्स नहीं है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आपको कभी बोला नहीं गया है तो आपको स्मूथ सरफेस ही लेना है, फ्रिक्शन है ही नहीं। तो फ्रिक्शन अगर लग ही नहीं रहा है, तो जो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वाला कॉम्पोनेंट है उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वही कॉम्पोनेंट तो चेंज होगा, यानी टकराने के बाद इसका केवल कौन सा कॉम्पोनेंट चेंज होगा, वाई वाला। एक्स वाले में थोड़ी ना कोई चेंज आएगा, क्योंकि एक्स पे तो कोई फोर्स लगा ही नहीं। तो जब आप कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखते हो ना बच्चों, ई इज इक्वल टू V2 - V1 अपॉन U1 - U2, तो ये वेलोसिटीज जिनमें चेंज आता है वो वाली वेलोसिटीज के कंपोनेंट है, यानी इस फॉर्मूले में जो आप V2, V1, U1, U2 लिखते हो वो कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटीज के जो किसकी डायरेक्शन में होते हैं, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। ऐसा नहीं आप V2, V1 किसी को भी ले लो, तो ज्यादा अच्छा ये है इसको रटना कि जो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का आप वैल्यू लिख रहे हो या रटोगे इसमें, या एक बात याद रखें इस फॉर्मूले में कि U1, U2, V1 एंड V2 आर द कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटीज, आर द कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो याद रखें अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट है। तो इसमें ये फॉर्मूले में याद रखेंगे कि जो फॉर्मूले में जितनी वेलोसिटीज आती है वो केवल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट या अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वाली वेलोसिटीज हैं, कोई दूसरी नहीं है। पिछले सवालों में या पहले जब आपको मैंने बताया तब इसकी जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि उस समय पर लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ वेलोसिटी सेम थी, इसलिए वहां पे ये चीज बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब इन सवालों में जहां पे लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अलग होगा, वहां पे जब आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाओगे तो याद रखिएगा कि उसमें जो वेलोसिटीज आती हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच चाहे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वो उस लाइन की वेलोसिटीज हैं, उस लाइन के अलोंग कॉम्पोनेंट्स हैं जो आपको लिए गए हैं किसके अलोंग बच्चों, लाइन ऑफ इंपैक्ट, है ना। और ये वेक्टर फॉर्म में होता है, ये पहले ही बोल चुका हूँ, डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है आपको, प्लस माइनस का ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर होगा। तो बच्चों हमें तो टकराने के बाद किसकी वेलोसिटी चाहिए, है ना, बॉल की वेलोसिटी चाहिए। तो टकराने से पहले आपको पता है कि इस बॉल के दो कंपोनेंट हैं, एक ये और एक ये, तो ये एंगल 37, तो ये एंगल 37। तो टकराने के पहले ये वाला जो कंपोनेंट है वो 8 है और ये वाला कंपोनेंट 6 है। तो टकराने के बाद जब ये बॉल इधर आएगा, तो टकराने के बाद इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, वो तो अभी भी 6 रहेगा। लेकिन टकराने से पहले अब इसकी जो टकराने के बाद वेलोसिटी है V1, वो हमें निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, तो अगर इसको वन पार्टिकल माना है, वॉल को टू माना है, तो आप U1 लिख सकते हो नीचे की तरफ है, तो -8 लिख लो भाई, नीचे की डायरेक्शन -8 मान लो, और U2 जो है वो ऊपर आ रहा है तो +10 हो गया। फिर आपका V1 तो आपको निकालना है भाई, और V2 क्योंकि ये वॉल है
बॉल के टकराने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वी टू अभी भी कितना रहेगा बच्चों, 10। अब ई लगाओ, तो ये मैंने सारी वेलोसिटीज लिख ली, कौन सी वाली, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। देखो ये सारी वेलोसिटीज अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट है, ये 8 भी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट है, तो आप यहाँ पे ई की फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये लगा दो कि वी टू माइनस वी वन अपॉन यू टू यू वन माइनस यू टू, तो यहाँ पे वी टू कितना हो बच्चों, 10, माइनस वी वन निकालना है, डिवाइड बाय यू वन, तो यू वन है आपका -8 और -10 है ना, माइनस ही 10 तो रहेगा, ठीक सही है, तो -10 हो जाएगा क्योंकि माइनस यू टू है ना, और यू टू की वैल्यू जो है वो तो 10 है, और ये हाफ कितना है बच्चों, ई की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब देखो ये बचा कितना, 10 माइनस वी वन, और ये बचेगा 18, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 9 उधर जाएगा, तो ये -9, और वी वन इधर आएगा, ये आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वी वन की वैल्यू आ जाएगी 19 मीटर पर सेकंड, और 19 बता रहा है कि पॉजिटिव है, मतलब टकराने के बाद ऊपर गई है बॉल, लेकिन क्या ये वेलोसिटी है बॉल की कोलिजन के बाद, तो बच्चों नहीं, इसका आंसर है नो। ये तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है ना जो टकराने के बाद ऊपर की तरफ है, लेकिन हमें वेलोसिटी ऑफ बॉल पूछ रहा है वो, तो ये वेलोसिटी ऑफ बॉल है, ये एंगल भी आप निकाल सकते हो चाहे तो थीटा। तो अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा बॉल की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वीबी, वो कितना हो जाएगा बच्चों, रूट ओवर 19 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सॉल्व वगैरह कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ। और अगर थीटा एंगल निकालना है कि कितने एंगल पे ये जाएगी, तो आप एंगल भी निकाल सकते हो, टेन टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, डेट इज 19/6, तो ये बच्चों इसके आंसर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर होगा, समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने ये सवाल किया है ना, तो ये जो क्वेश्चन किया है इसमें मुझे आपको एक चीज और बताना है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हमने ई का फॉर्मूला लगाया अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, है ना, हमारा आंसर भी आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें बच्चों मोमेंटम कंजर्व नहीं है, आप अगर सोचें कि इसमें मोमेंटम कंजर्व है तो मोमेंटम नहीं है। देखो इसकी बॉल की रफ्तार तो चेंज ही नहीं हुई है, फिर इसकी रफ्तार लोगे तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम आप अगर निकालोगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आएगा। तो इस सवाल से ये कहने का मतलब है मेरा कि जरूरी नहीं है कि ई का फॉर्मूला आप तभी लगाओगे जब मोमेंटम कंजर्व होता है, ई के फॉर्मूले का मोमेंटम कंजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं, मोमेंटम कंजर्व हो चाहे ना हो, ई जो है वो ई का जो फॉर्मूला है वो वहां अप्लाई कर सकते हो जहां पे आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है, और उसके फॉर्मूले में जो सारी वेलोसिटीज है वो आपकी क्या हो बच्चों, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट होनी चाहिए, है ना। तो ये पॉइंट नोट कर लो, कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि थ्योरिटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमेशा याद रखें कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला है वो तब नहीं लगाना है, मतलब तब भी लगाया जा सकता है जब मोमेंटम कंजर्व है, और तब भी लगाया जा सकता है जब मोमेंटम कंजर्व नहीं है। तो मैं यहां पे जगह है तो यहां पे लिख देता हूं, ये आप नोट करके लिख लें अच्छे से, इस क्वेश्चन से ये चीज समझ में आती है कि द फॉर्मूला ऑफ ई यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल वेयर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, वेयर मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड ऑल्सो एप्लीकेबल वेयर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, वेयर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो कभी भी अपने आप से ये नहीं मानना है कि ई का फॉर्मूला आप केवल वहां अप्लाई कर सकते हो जहां मोमेंटम कंजर्व्ड है, वहां भी अप्लाई किया जा सकता है जहां पे मोमेंटम कंजर्व नहीं है, जैसे इस सवाल में था, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आगे कुछ चीजें समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड है, ग्राउंड है, और मान लो कि एक पार्टिकल जो है वो ऐसे आ रहा है। अच्छा, ग्राउंड का मतलब क्या है कि ये जो सरफेस है वो हमेशा फिक्स्ड है, फिक्स्ड मतलब ये सरफेस मूव नहीं करने वाली, फिक्स्ड सरफेस है। और अगर कोई बॉल यू से आ रही है तो सोचो ये है, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है,
मैं थोड़ा सा यहां बना रहा हूं, तो नीचे टकराने के बाद वो बॉल ऐसे ऊपर जाएगी लाइन ऑफ इंपैक्ट में, तो इसकी बॉल की रफ्तार मान लो वी हो गई, वी हो गई। तो आपको ये बताना है कि वी रफ्तार क्या होगी अगर ग्राउंड और बॉल के बीच में कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। तो इसको निकालने का तरीका ये है, देखो ग्राउंड तो हमेशा फिक्स होना है, बॉल के टकराने से पहले भी और बॉल के टकराने के बाद भी। तो यानी कि अगर मैं ग्राउंड को टू मान लू और बॉल को वन मान लू, तो यू टू और वी टू वो तो जीरो ही होने वाला है, क्योंकि ग्राउंड हमेशा फिक्स्ड है, फिक्स्ड सरफेस है ना, तो यू टू वी टू तो कभी मूव करने वाला है नहीं, मतलब ग्राउंड कभी मूव करने वाला नहीं है, टकराने के पहले भी और टकराने के बाद भी। तो सेकंड पार्टिकल माना है तो यू टू वी टू तो जीरो है। अच्छा अगर मैं बोलूं कि यू वन कितना है बॉल का, तो वो आप पता है नीचे की तरफ है तो माइनस यू, और मुझे क्या निकालना है वी वन, वी वन किसके बराबर है, वी के बराबर। तो आप जरा कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन लगा दो, क्योंकि ये सारी वेलोसिटी जो लिखी गई है वो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ही लिखी गई है। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं E इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो वी टू जो है वो जीरो माइनस वी वन जो है वो वी डिवाइड बाई यू वन जो है वो है माइनस यू और माइनस यू टू जो है वो जीरो, तो माइनस माइनस कैंसल, तो यह आ जाएगा यू ई इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो यहां से आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू ई यू, यानी किसी भी फिक्स्ड सरफेस से, किसी भी फिक्स्ड सरफेस से अगर कोई पार्टिकल u से आता है तो टकराने के बाद अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट उसकी रफ्तार ई यू हो जाती है। बच्चों याद रखना, टकराने के बाद उसकी रफ्तार अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट कितनी हो जाएगी बच्चों, ई यू। तो सोचो अगर ऐसी स्थिति है, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल दिखाई दे हमेशा, आपको इस तरीके की स्थिति भी दिखाई दे सकती है। सोचो ऐसे वॉल फिक्स है, ये फिक्स्ड वॉल है, और अब आपका जो पार्टिकल है अगर मैं ऐसी एग्जांपल के फॉर्म में पूछूं कि ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और यहाँ पे ई की वैल्यू जो है वो हाफ है, तो सोचो ऐसे आने के बाद जब टकरा के वो ऐसे जाएगा तो मुझे पता है कि ई यू हो जाती है वेलोसिटी, तो ई की वैल्यू हाफ है और यू है 10, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो अगर ई हाफ है और वो 10 से आ रहा है तो टकराने के बाद उसी लाइन ऑफ इंपैक्ट पे उसकी रफ्तार आधी हो जाएगी, क्योंकि ई हाफ है। अगर ये 1/3 होता तो 1/3 हो जाती, अगर ये 1/4 होता तो 1/4 हो जाती। तो ये आपको बार बार एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि कोई भी फिक्स्ड सरफेस में यू से रफ्तार आएगी पार्टिकल की, तो टकराने के बाद वो ई यू हो जाएगी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, है ना, अगर फिक्स्ड सरफेस है तो, इस बात का ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो देखिए बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये स्टैंडर्ड है, रिजल्ट भी स्टैंडर्ड है, कई बच्चे तो रिजल्ट ही याद कर लेते हैं। जैसे आपसे बोला जाए, इस तरीके का क्वेश्चन बोला जाए कि मान लीजिए कि यहां पर ऐसे इस तरीके से आपका सरफेस है और आपने एच हाइट से, है ना, तो स्मॉल एच हाइट से आपने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया हुआ है ना बच्चों, पार्टिकल को ड्रॉप किया, तो ड्रॉप किएगा तो ये ऐसे नीचे आएगा, फिर टकरा के ऊपर जाएगा, और आपसे बोला गया कि बॉल और सरफेस के बीच में जो है वो ई है, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है बच्चों वो ई है, है ना। तो इस तरीके से आपको बता दिया गया है, ठीक। अब इसका जो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो अगर ई है तो आपसे ये बोला जा रहा है कि भाई ये ऐसे नीचे आया, फिर उसके बाद ये टकराएगा तो फिर ये कुछ ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, आप समझ पा रहे हो, इसी लाइन पे होगा, लेकिन मैं बना समझाने के लिए अलग से बना रहा, ये ऊपर जाएगा लेकिन अब उतनी हाइट पे ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि E की वैल्यू 1 नहीं है, E की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 और उसके बीच में, तो ये इसकी रफ्तार थोड़ी कम होगी, फिर ये नीचे आएगा, फिर टकराएगा, फिर ये कुछ कम रफ्तार से ऊपर जाएगा, तो फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और इस तरीके से चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो सोचो ऐसे नीचे टाइम आया, फिर रिबाउंस हुआ, टाइम हुआ, फिर कुछ रिबाउंस हुआ, फिर टाइम हुआ, जब तक ये रेस्ट पे नहीं आ जाएगा नीचे ग्राउंड पर, तब तक कितना टाइम बीत जाएगा, टोटल टाइम, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो आपसे क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन कि फाइंड द टोटल टाइम, फाइंड द टोटल टाइम ऑफ, टोटल टाइम व्हेन मोशन, मोशन ऑफ बॉल स्टॉप,
तो आपको टोटल टाइम बताना है जब तक कि मोशन ऑफ बॉल का जो है वो स्टॉप ना हो, तो वो टोटल टाइम कितना होगा ये आप बताइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो अब इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, है ना? तो इसको निकालने का क्या तरीका है वो हम समझते हैं। तो आप ऐसा सोचो कि भाई जब ये नीचे आ रहा है तो नीचे आने में जो टाइम लगा, ऊपर से नीचे आने में अगर हम टाइम निकालें, यहां से लेकर यहां तक आने में, ये अगर एच हाइट नीचे आ रहा है तो कितना टाइम ले रहा है? तो इसको हम बोल देते हैं बच्चों T1, इसको T1 बोल देते हैं। तो आपको पता है जब भी किसी पार्टिकल को ड्रॉप करोगे तो अगर वो T1 मतलब एच हाइट नीचे गिरेगा तो जो उसका टाइम लगेगा T1, वो टाइम T1 कितना होगा बच्चों? देखो यहां पे हम निकालते हैं, तो वो टाइम T1 हो जाएगा आपका अंडर रूट 2H1/g। यहाँ पे 2H/g लिख लेंगे क्योंकि ये H है, तो अंडर रूट 2H/g। तो जो आपका T1 टाइम है वो तो अंडर रूट 2H/g हो गया। अब सोचो कि जब इसने दोबारा जो हाइट कवर की रिबाउंस होने के बाद, वो H1 है, फिर जो तीसरी बार हाइट अचीव की वो H2 है, एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रहा है। तो अगर ये H1 हाइट है तो यहाँ पे रफ्तार कितना है बच्चों? जीरो। तो सोचो यहां से जब वो नीचे आ रहा होगा तो वो कितनी हाइट कवर कर रहा है? H1। तो ये टाइम अगर मैं T2 ले लूं तो जब रिबाउंस हुआ तो ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो ऊपर जाने में T2 लगा तो नीचे आने में भी T2 लगा। लेकिन T2 क्या लिख सकते हो आप? T2 कितना लिख सकते हैं? तो T2 लिख सकते हैं क्योंकि अब ये H1 हाइट कवर करेगा, यहां से ड्रॉप ही तो हुआ ऐसा मान सकते हो आप, तो H1 हाइट कवर करेगा, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2H1/g। देखो बच्चों इस तरीके से लिख सकते हो आप, अंडर रूट 2H1/g। वैसे अगर आपको T3 लिखना है, अब यहां से ड्रॉप होने के बाद जब वो नीचे आएगा तो ये T3 है, तो ऊपर जाते समय T3 और नीचे आते समय T3, तो नीचे आते समय जो T3 टाइम लगेगा किसको? क्योंकि उसने H2 हाइट कवर किया है, तो आप T3 लिख सकते हो अंडर रूट 2H H2/g, एंड सो ऑन, और इसी तरीके से चलता जाएगा भाई। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये हमें बात समझ में आती है ना बच्चों? तो इस तरीके से ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अब सोचो कि अगर हमें इसकी और वैल्यू निकालनी है एच के टर्म्स में, H1 H2 H3 तो अभी नहीं पता, लेकिन अगर हमें एच के टर्म्स में निकालना है तो H1 H2 H3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब H1 की क्या वैल्यू होगी बच्चों? तो आपको पता है कि H1 अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जब पार्टिकल नीचे आएगा तो बच्चों यहाँ पे उसकी रफ्तार कितनी होगी? अगर u बोला जाए, फाइनल वेलोसिटी, जब वो नीचे गिर के नीचे टकराने वाला रहेगा तब उसकी रफ्तार होगी अंडर रूट 2gh। ये आप जानते हो इसकी वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों? अंडर रूट 2gh। तो टकराने के बाद e कोफिशियंट है, तो टकराने के बाद जब वो ऊपर जाएगा तो कितनी रफ्तार से जाएगा? eu। टकराने के बाद तो जब ऊपर जाएगा बच्चों तो कितनी रफ्तार से जाता है? eu। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखो अगर हमें H1 निकालना है, H1 इज द मैक्सिमम हाइट व्हेन स्पीड इज u, तो याद करो कोई भी पार्टिकल अगर eu रफ्तार से ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम हाइट जो ये H1 है वो कितनी अचीव करेगा? तो हम H1 निकाल सकते हैं। H1 का फॉर्मूला याद है बच्चों? u²/2g। तो e² u² / 2g याद होगा आपको ये फॉर्मूला, ये हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था। और जो आपका u है, u उसकी क्या वैल्यू है? अंडर रूट 2gh। तो उसको एक काम, हाँ देखें बच्चों यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करें तो देखो ये e²/2gh है ना, u²/2g होता है ये आपको पता है। तो H1 निकालेंगे, u यहाँ पे eu है, तो u² u की वैल्यू हमें पता है अंडर रूट 2gh, तो यहाँ पे रखोगे तो रूट हट जाएगा, 2gh हो जाएगा और नीचे 2g, तो 2g 2g कैंसिल। तो H1 कितना आया बच्चों? ये आएगा e²h। देखो हमने H1 को H के फॉर्म में निकाल दिया। वैसे आप H2 भी निकाल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। H2 क्या हो जाएगा? देखो जब बच्चों यहां से ये EU से ऊपर गया है तो जब ये वापिस आएगा तो आपको पता है कि उतनी रफ्तार होती है नीचे EU, और अब टकराने के जब ये बाउंस करेगा तो इस वेलोसिटी का यू ई टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है ना, तो ये फिर से EU होगा, लेकिन अब यू जो है वो EU है, तो e·EU, तो ये हो जाएगा e²u। ऐसे चलता जाएगा ना। तो फिर जब आप फिर से निकालोगे, अब H2 के लिए देखो, अब जो रफ्तार है इसका वो e²u है, और ये जो अब हाइट कवर कर रहा है वो H2 है। अब फिर से ये फॉर्मूला लगाओ आप, तो यहां पे अब स्क्वायरिंग e²u का होगा, तो ये e की पावर 4
और ये यू स्क्वायर होगा, फिर 2gh रखोगे तो ये e की पावर 4 × h आएगा। आप करके देखना बच्चों, आप जब सॉल्व करके देखोगे तो ये e की पावर 4 H2 जो है वो e की पावर 4 × h आएगा। फिर वैसे ही आप H3 के लिए निकालोगे तो यहाँ पे e की पावर 3 × u होगा, उसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे e की पावर 6 आ जाएगा बच्चों, करके देखेंगे आप। तो H3 जो है वो e की पावर 6 × h आ जाएगा। और इसी तरीके से आप चलाते जाओ तो जो nth हाइट होगी hn वो आपका हो जाएगा e की पावर 2n। देखो यहां पे जब 3 था तो 6 था, यहां पे 2 था तो 4 था, यहां पे 1 था तो 2 था, तो e की पावर 2n × h। तो देखो ऐसे आप हाइट निकाल सकते हो। तो ये हाइट का जनरल फॉर्मूला है, हाइट पूछी नहीं गई, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि nth रिबाउंड में कितनी हाइट अचीव करेगा तो e की पावर 2n × h ये हाइट अचीव करेगा। अगर फिफ्थ रिबाउंड पूछता है तो e की पावर 10 × h ये हाइट अचीव करेगा, है ना। तो ऐसे आप बता सकते हो। तो एक मैंने जनरल फॉर्मूला भी इसमें बता दिया है ना। अब अगर आपको H1 पता है तो आप T1 निकाल सकते हो भाई। तो यहाँ पे T1 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, T1 तो हमें पता है √2gh, H1 पता है तो T2 बता सकते हो आप। H1 है e² × h, अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो तो e² से e बाहर आ जाएगा बच्चों, और √2h/g बचेगा, और √2h/g है क्या, T1 है, T1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो e × T1, है ना। तो बच्चों इसको लिखा जा सकता है e × T1, है ना, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर होगा। वैसे H2 जब लिखोगे तो H2 है e की पावर 4, तो e² बाहर आ जाएगा और × T1 √2gh/h बचेगा, है ना। तो इसको लिख सकते हो e² × T1। तो T3 को आप लिख सकते हो e² × T1, है ना। वैसे ही आप क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर आगे जाएंगे तो T4 T5 3c, वैसे nth रिबाउंड का जो टाइम है, मतलब ऊपर जाने का या नीचे आने का टाइम ऑफ एसेंट या डिसेंट nth रिबाउंड में, वो कितना आ जाएगा। देखो जब बच्चों यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे जो है 1 है, तो इसका मतलब tn में e की पावर n-1 आएगा। अगर n है तो n-1 × T1। तो देखो ये जनरल फॉर्मूला हो गया tn का, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम देखो कितना आएगा, तो हम अगर टोटल टाइम निकालें, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना लिख सकते हैं बच्चों, कैपिटल टी, दिस इज पहले नीचे आने का टाइम है T1 प्लस फिर ऊपर जाने का T2, नीचे आने का T2, तो एक रिबाउंड में 2T2, क्योंकि हमने ऊपर जाने का या नीचे आने का T2 निकाला है ना, तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 2T2 हो जाएगा एक रिबाउंड का। फिर दूसरा रिबाउंड होगा तो 2T3, फिर तीसरा होगा, मतलब इस तरीके से प्लस 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 प्लस, और ऐसे कितने टर्म्स हैं, ये इनफिनाइट बाय रिबाउंड होगा। तो रिबाउंड लिखते जाओ, तो ऐसे प्लस 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 डॉट डॉट लगा दो, है ना बच्चों। इसके बाद फिर आप यहाँ पे देखो तो ये T1 है, T2 को क्या लिख सकते हैं, देखो ET1, तो हम यहाँ पे टाइम पीरियड लिख देंगे, T1 + T2 को लिखा जा सकता है 2ET1 + T3 को लिखा जा सकता है T²T1, तो 2E²T1 और प्लस डॉट 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 चलता जाएगा, है ना बच्चों। फिर यहां से देखो आप, तो एक काम करें, यहां से T1 को ऐसे ही रहने दें पहले, तो प्लस यहां से 2 × T1 कॉमन ले लो बच्चों, 2 × T1 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा भाई, यहां पे बचेगा E प्लस यहां पे बचेगा E² प्लस यहां पे बचेगा E³ प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये GP बन रहा है बच्चों, GP, अगर आप ध्यान से देखो तो ये GP है, और क्योंकि ये कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लेस देन 1 होता है, तो इसका फर्स्ट टर्म भी E है और कॉमन रेशियो भी E है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे ऐसा फॉर्मेट है GP, a + ar + ar² + ……, तो इसको GP कहते हैं। और अगर इसमें जो R है, कॉमन रेशियो जो है, अगर वो लेस देन 1 है तो इसको कन्वर्जिंग जीपी कहा जाता है बच्चों, है ना। और अगर इनफिनाइट टर्म्स का सम करना है कन्वर्जिंग जीपी के लिए, तो उसका सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट टर्म a/(1 − r)। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम ये कर सकते हैं अप्लाई, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ई है और कॉमन रेशियो भी ई है, और ई हमेशा लेस देन 1 होता है, ये आपको पता है, तो जीपी अप्लाई कर दो भाई। तो ये हो जाएगा T1 + 2T1, फर्स्ट टर्म इज E, इसका सम,
अपॉन वन माइनस आर, और आर भी ई है तो वन माइनस ई, ऐसा हो जाएगा बच्चों। अब ये टी वन कॉमन ले लो तो टी वन कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा वन प्लस टू ई बाई वन माइनस ई, और इसको फर्दर सॉल्व करोगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, वन माइनस ई ऊपर जाएगा तो वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई बचेगा, और टी वन की वैल्यू क्या है, अंडर रूट टू एच बाई जी, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट टू एच बाई जी वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई। ये बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कई बार तो बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं, कई बार सवाल पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, है ना, तो डायरेक्ट भी इसको टिक करके आ जाते हैं कई बच्चे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि कैसे भाई इस तरीके से अगर बाउंड रिबाउंड होता जाएगा इनफाइनाइट टाइम, तो टोटल टाइम जब तक बॉल स्टॉप होगी तो आपको इस तरीके से निकालना है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बच्चों, इसी सवाल में जो अभी मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे ग्राउंड सरफेस है, यहाँ से एक बॉल ऐसे आ रही है एच हाइट से गिर रही है, फिर रिबाउंड लेगी तो फिर वो कुछ एच वन हाइट तक जा रही है, फिर रिबाउंड लेगी तो फिर वो एच टू हाइट तक जा रही है, और इस तरीके से चलता जा रहा है ना। तो आपसे इसमें दूसरा सवाल पूछा गया, दूसरा सवाल क्या पूछा गया कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस, फाइंड द टोटल टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल, कवर्ड बाय बॉल, तो बॉल जो है वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड करेगी ये आपको बताना है। तो इसमें क्या किया जाएगा, आप देखो टोटल डिस्टेंस है तो पहले तो उसने एक रिबाउंड होने से पहले उसने एच कवर किया, तो हम टोटल डिस्टेंस अगर लिखें तो डिस्टेंस कवर्ड जो है बच्चों वो लिख सकते हैं भाई, आने से पहले उसने एच कवर किया, फिर ऊपर गया एच वन नीचे आया एच वन तो फिर किया टू एच वन, फिर ऊपर गया एच टू नीचे आया एच टू तो ये किया टू एच टू, और प्लस डॉट 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 ऐसा चलता जाएगा, इनफिनाइट रिबाउंड हो रहे हैं यहाँ पे रुकने से पहले। फिर उसके बाद एच तो एच है प्लस, अभी बच्चों मैंने आपको प्रीवियस पेज में एच वन लिखना सिखाया था, मतलब एच वन क्या था याद करो, तो ई स्क्वायर एच था, तो हम यहाँ पे इसको ई स्क्वायर एच के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर एच टू याद होगा आपको ई की पावर फोर इंटू एच था, है ना, अगर आपको याद है जैसे मैंने लिखना सिखाया था अभी आपको, और फिर e की पावर 6 इंटू एच था, ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे h, देखो यहाँ प्लस में क्या कॉमन ले सकते हो आप, 2 जो है कितना हो जाएगा बच्चों e स्क्वायर कॉमन ले लो 2e स्क्वायर, तो फिर आप अंदर देखो क्या बचेगा, यहाँ पे h भी कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ये बचेगा e स्क्वायर प्लस ये e की पावर 6 था तो ये e की पावर 4 बचेगा प्लस डॉट डॉट डॉट, थ्री की पावर जो है आपका इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, है ना, तो ई की पावर 6 बचेगा, फिर ई की पावर 10 बचे 8 बचेगा, फिर 10 बचेगा, और इस तरीके से चलता जाएगा। अब देखो ये भी एक जीपी है, यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट टर्म जो है 1 है और कॉमन रेशियो ई स्क्वायर है, 1 इंटू 1 इंटू ई स्क्वायर, 1 इंटू ई स्क्वायर का स्क्वायर, 1 इंटू ई स्क्वायर का क्यूब, इस तरीके से चल रहा है ना, तो ये भी जीपी है जिसका कॉमन रेशियो ई स्क्वायर है और फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं एच इज इक्वल एच प्लस 2 ई स्क्वायर एच, और ये बन जाएगा बच्चों 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है ना बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। फिर उसके बाद आप देखो तो यहां से क्या कर सकते हो आप कि h कॉमन ले लो, h कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2e स्क्वायर है ना, तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस ये आ जाएगा बच्चों कितना 2e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर, और फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर, तो ये 1 प्लस ई स्क्वायर बचेगा, नीचे 1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा इनटू एच, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड है उसका स्टैंडर्ड आंसर जो है वो आ जाएगा बच्चों कितना 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इनटू एच, तो दिस इज द आंसर टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। देखिए बच्चों ये तो वो हुआ जब आपका फिक्स्ड सरफेस पे सीधी सीधी परपेंडिकुलर टू अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट जो है वो वेलोसिटी थी बॉल की,
लेकिन अब जिसमें दूसरा जो केस है उसमें ये हो सकता है कि बच्चों ये आपका फिक्स्ड सरफेस है और आपकी बॉल अब ऐसे इंक्लाइंड आ रही है, और मान लो जो वर्टिकल से एंगल है वो थीटा है ना, वर्टिकल से जो एंगल है वो थीटा है, तो ये यू रफ्तार से अगर आ रही है तो ये ऐसे टकराएगी, ऑब्वियसली बात है लाइन ऑफ इंपैक्ट तो ऐसा है, और फिर टकराने के बाद कुछ तो एंगल पे जाएगी वो, है ना, हमें नहीं पता कितने एंगल पे जाएगी। अगर ये एंगल थीटा से वर्टिकल से आ रही है तो जब वो टकराएगी तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के साथ इसका एंगल थीटा होगा। अच्छा यू है तो यू के दो कॉम्पोनेंट हैं, एक वर्टिकल अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट दैट इज यू साइन थीटा, सॉरी यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, और ये सरफेस जो है फिक्स है, और दूसरा जो कॉम्पोनेंट है वो है यू साइन थीटा। अब आप खुद सोचो, और कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, तो आप खुद सोचें कि जब ये टकराएगा तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, तो कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा? क्या यू साइन थीटा वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा? क्योंकि एक्स में तो कोई भी इंपैक्ट नहीं हुआ, केवल वाई में इंपैक्ट हुआ है, तो वाई वाला कंपोनेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि ई है तो आते समय इसकी नीचे की रफ्तार थी यू कॉस थीटा, तो टकराने के बाद ऊपर कितनी हो जाएगी, क्योंकि फिक्स्ड सरफेस है, तो ये हो जाती ई यू, लेकिन यू जो है यहाँ पे यू कॉस थीटा है, तो टकराने के बाद इसकी वाई की रफ्तार चेंज हो जाएगी और वो हो जाएगी ई यू कॉस थीटा। अब जो पार्टिकल जो एंगल बनाते हुए ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये एंगल मान लो फाई है, तो ये एंगल आप फाई भी निकाल सकते हो, ये हमेशा थीटा के बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो ई की वैल्यू पे डिपेंड करता है ना बच्चों, कि बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे अगर आप लगाएं, मतलब यहां पे टेन फाई निकालें, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट ही है, तो टेन फाई आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो कि कितने एंगल पे ये मूव कर जाएगा टकराने के बाद। तो टेन फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यू साइन थीटा, और आपका ये जो है हो जाएगा बेस यू ई यू कॉस थीटा। तो यहां से देखो यू यू कैंसल, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो टेन थीटा होगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बाई ई, टेन थीटा बाई ई, यानी कि ये फाई कितना होगा ये ई पे डिपेंड करता है, तो ई की वैल्यू जैसे चेंज होगी उस हिसाब से ये एंगल देता हुआ जाएगा। आप खुद सोचो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, समझ में आता है अपन को? तो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, तो मैं नेक्स्ट पेज पे उसको बताता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है डायग्राम बनाने के, तो इसको जल्दी से नोट करो बच्चों। अब देखो बच्चों, अभी हमने देखा कि जो टेन फाई है अगर उसका थीटा के साथ रिलेशन देखें तो टेन थीटा बाई ई होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे केस वन जो है, अगर ई इक्वल्स टू वन हो जाए तो फिर क्या होगा? ई इक्वल्स टू वन हो जाएगा तो आपको समझ में आ रहा है कि टेन फाई इक्वल्स टू टेन थीटा, मतलब थीटा फाई इज इक्वल टू थीटा, यानी होगा क्या कि इस ग्राउंड सरफेस पे ये बॉल जितने एंगल पे यहाँ पे हिट करेगी थीटा पे, उतने ही एंगल पे ये वापस भी चली जाएगी। क्योंकि आप खुद सोचो, उतने ही एंगल पे वापस क्यों जाएगी? क्योंकि उसका वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट दोनों ही चेंज नहीं हुआ भाई, जो नीचे यू कॉस थीटा था वही ऊपर यू कॉस थीटा हो गया, क्योंकि ई की वैल्यू वन है, तो सेम एंगल पे रिबाउंड कर जाएगी, सेम एंगल पे रिबाउंड कर जाएगी। लेकिन केस टू में अगर मैं आपसे बोलूं कि ई की वैल्यू जो है बच्चों वो वन से छोटी, जीरो से बड़ी है, बीच में है, तो यहां पर आपको पता है कि फाई जो है अगर ये छोटी हो जाएगी वैल्यू, तो टेन थीटा अपॉन वन से छोटी वैल्यू, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो एंगल भी बड़ा हो जाएगा, तो फाई इज ग्रेटर देन थीटा, तो थीटा से फाई जो है वो बड़ा आएगा। अब इसका मतलब क्या है कि थीटा से फाई बड़ा होगा, तो अगर बॉल ऐसे आ रही है कितने एंगल पे बच्चों, थीटा पर, तो ये फाई जो है थीटा से बड़ा होगा, तो ये देखो ये इस तरीके से जाएगा, यानी वो उतना ऊपर नहीं उचक पाएगा हॉरिजॉन्टल से, क्योंकि ये एंगल वर्टिकल से लिए गए हैं, तो फाई बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कम हो जाएगा, तो उसी एंगल पे नहीं जाके वो थोड़ा सा कम एंगल पे नीचे की तरफ जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट जो है बच्चों क्लियर होगा। फिर केस नंबर थ्री, अगर मैं आपसे बोलूं कि ई जीरो ही हो जाए, तो सोचो ई जीरो तो ये पूरी चीज इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी तो टेन फाई इन्फिनिटी, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी 90, 90 डिग्री, यानी कि सोचो क्या हुआ कि जब ई जीरो है, जैसे आटे की बॉल है और उसको आपने ऐसे फेंका है किसी एंगल पर थीटा पर, तो वो फिर उचकेगी नहीं, वो ऐसे सीधे निकल जाएगी, ऐसे ऐसे फाई की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो रियल लाइफ में आप देखते हो
वो यहां से एक्सप्लेन हो रहा है, तो इसका मतलब जो हमारी क्वेश्चंस है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो देखो बच्चों, और इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ये बोल सकते हैं वो कि एक पार्टिकल है, मान लो प्रोजेक्टाइल है ना, तो उसको हमने लेवल टू लेवल ग्राउंड में क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। तो आपसे बोला गया कि उसको वी नॉट रफ्तार से फेंका गया और थीटा एंगल पे फेंका गया है। तो आपको पता है कि ये बॉल जो है ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल करेगी। अब प्रोजेक्टाइल करने के बाद जब वो यहाँ हिट करेगी, तो ये बोला गया कि जब ये कोलाइड कर रही है तो यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो ई है, इस बॉल और इस सरफेस के बीच में, है ना, जो ये ग्राउंड सरफेस है। तो आपको पता है अगर ये कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये है, तो यहाँ से टकराने के बाद वो फिर से ऐसे किसी एंगल पे वो मूव करेगी, है ना बच्चों, और फिर मूव करेगा तो फिर वो ऐसे टकरा के वापस गिरेगी, फिर वो टकराएगी, फिर यहाँ पे ई है तो फिर उसकी रफ्तार कुछ चेंज होगी, फिर वो टकरा कैसे जाएगी। तो मान लो जो पहला टक्कर हुआ, पहला जो उसने रेंज कवर किया वो R1 है, दूसरी बार में उसने जो रेंज कवर किया वो R2 है, तीसरी बार में उसने जो रेंज कवर की वो R3 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि R1 इज टू R2 इस टू R3 का रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन ये था, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं इस तरीके क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला बच्चों अब आपको प्रोजेक्टाइल आना चाहिए, क्योंकि कोलिजन ऐसा टॉपिक है ना, इसको किसी भी चैप्टर के साथ क्लब कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि कोलिजन केवल इधर है, कोलिजन बाद में आप 12th 12th में भी जाओगे तो आएगा इनडायरेक्टली। तो आपको ये पता होना चाहिए, हर चैप्टर में इंक्लूड किया जा सकता है, तो किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट लगा दिए जाएंगे। इसलिए कोलिजन ऐसा मत समझना कि केवल रोटेशनल मोशन में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में ही आता है, नहीं बिल्कुल नहीं, इसको कहीं पे भी क्लब किया जा सकता है, बस कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। तो सॉल्यूशन करेंगे कैसे, हमें रेंज का फॉर्मूला पता है, अगर मुझे ux uy पता है तो 2ux into uy by g, ये फॉर्मूला आपको बताया गया था रेंज का, है ना बच्चों। ux क्या है इसका, ux निकाल लो, तो ux जो है उसका v0 cos थीटा है, uy जो है इसका v0 sin थीटा है। अब यहां पर आप लगा दो भाई, जब आप रेंज R1 इस टू R2 इस टू R3 लिख रहे हैं, तो R1 में आपका ux uy पता है, तो 2 into v0 cos थीटा into sin थीटा, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, 2 v0 square cos थीटा sin थीटा, और डिवाइड बाई जी कर दो, फिर इस टू। अब आप देखो जब ये बॉल यहां से टकराएगी बच्चों, तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है। तो आपको पता है कि जब प्रोजेक्टाइल ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी आने समय नीचे की वेलोसिटी उतनी होती है जो पहले प्रोजेक्ट करते समय हुई ऊपर की तरफ, वही नीचे की तरफ हो जाती है। तो नीचे की तरफ जब ये टकराने से पहले इसकी रफ्तार थी वो v0 sin थीटा थी, और x वाली रफ्तार जो थी वो v0 cos थीटा ही थी। तो क्योंकि इम्पैक्ट जो हो रहा है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस हो रहा है, तो एक्स वाली रफ्तार तो चेंज होगी नहीं, वो अभी भी v0 cos थीटा ही होगी, ये आपको पता है। और क्योंकि इसका कोफिशियंट जो है रेस्टिट्यूशन वो ई है, तो टकराने के बाद ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगी e v0 sin थीटा। अगर नीचे v0 sin थीटा से आ रहा है, तो टकराने के बाद ऊपर e v0 sin थीटा, क्योंकि ग्राउंड सरफेस तो फिक्स है ना बच्चों। तो यहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन करके आप, अब इसका देखो सेकेंड वाला प्रोजेक्टाइल जो हो रहा है उसका आपको ui और ux पता है, तो आप लिख दो 2 v0 square into e, है ना, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करोगे तो v0 square into e, और cos थीटा sin थीटा तो है, तो cos थीटा sin थीटा बाई जी, फिर इस टू। अब बच्चों यहाँ पे जब आपका फिर से टकराएगा, तो नीचे की तरफ टकराने से पहले इसकी रफ्तार है e v0 sin थीटा, तो ऊपर की तरफ कितनी रफ्तार होगी आप खुद सोचो, इसका भी e टाइम्स हो जाएगा, तो e into e e square v0 sin थीटा, और ये ऐसे जाएगा तो R3, लेकिन इसका x कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, वो अभी भी v0 cos थीटा ही है। तो जब यहाँ पे लिखोगे तो फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो अब e की जगह e स्क्वायर आएगा भाई, इतना ही तो आ रहा है। तो इस टू क्या हो जाएगा, 2 v0 square e square cos थीटा sin थीटा बाई जी।
अब देखो तीनों रेशियो में क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो वी नॉट स्क्वायर, ये टू, ये जी, ये भी कैंसिल हो गया, सिर्फ ई बचेगा यहाँ पे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ई स्क्वायर बचेगा। तो देखो सिंपल सा आंसर है इसका, क्या आ जाएगा बच्चों, आर टू इज टू आर थ्री अगर आपको निकालना है तो ये आ जाएगा 1:2e2e2। और अगर और चलता जाता है रेशियो तो e की पावर क्यूब, e की पावर ये, और किसी भी टाइम पर आप यहाँ पे रेंज लिख सकते हो। अगर आप nth कोलिजन में चले जाओ तो पहला जब प्रोजेक्ट कर रहा है R1, दूसरा कर रहा है, तीसरा करेगा R3। तो अगर मैं nth पूछ लूं, कभी कभी nth पूछ लिया जाता है, तो आर एनथ में आप देखो जब फर्स्ट प्रोजेक्टाइल था तो यहाँ पे ई नहीं था, सेकंड प्रोजेक्टाइल में ई आ गया, थर्ड रेंज में ई का स्क्वायर आया, तो फोर्थ रेंज में ई का क्यूब आएगा, है ना, तो एनथ रेंज में एक कम आता है, तो ये हो जाएगा ई टू ई एन माइनस वन वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी। और चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर टू कॉस थीटा साइन थीटा को लिखना है तो ई की पावर एन माइनस वन वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, है ना, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से एनथ रेंज भी आपको अगर पूछा जाए तो बन जाएगा, रेशियो भी पूछा जाए तो बन जाएगा, इसमें मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई यहां पर लेट सपोज इस तरीके से ग्राउंड सरफेस है और एक यहाँ पे वॉल है, वॉल है ना बच्चों, तो अगर ऐसा है तो इन्होंने क्या किया कि एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, तो जो ये प्रोजेक्टाइल है बच्चों इसको फेंका गया 100 मीटर पर सेकंड से, 100 मीटर पर सेकंड से, और कितने एंगल में फेंका गया, तो 37 डिग्री पर। तो ये ऐसे गया 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 गया, फिर यहां पे जाके उसने हिट किया, यहां पे जाके किसी तो एंगल पे उसने हिट किया, और फिर यहां से टकराकर वो वापिस ऐसे गिर गया, ऐसे तो आएगा टकरा के ऐसे नीचे आ गया। जब वो नीचे गिरा तो इस दीवार से इसकी क्या दूरी है एक्स, ये निकालना है। अगर दीवार से जहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसकी दूरी 360 मीटर, और जब दीवार से टकरा रहा है तो आपको बोला गया है कि E की वैल्यू जो है बच्चों वो हाफ है। अगर E की वैल्यू हाफ है तो इसको गया फिर टकराया, टकराया तो नीचे आया, नीचे आया तो दीवार से कितनी दूरी पे वापस गिरेगा, जमीन पर, जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है दीवार से 360 मीटर पर है। ये सवाल पूछा गया है ना, तो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आई होप आपको क्वेश्चन तो क्लियर है भाई, है ना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, तो जरा समझे इसको। हुआ क्या कि जब ये पार्टिकल इधर आएगा तो यहां पे मान लीजिए कि किसी वी रफ्तार से ऐसे टकराया, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे ना बच्चों, एक होगा वी कॉस थीटा और एक होगा वी वाई। एक तो वी वाई तो चेंज होगा प्रोजेक्टाइल का, लेकिन एक्स कंपोनेंट तो चेंज नहीं होता, तो टकराने से पहले जो ये एक्स कंपोनेंट था वही वहीं पे भी होगा। इनिशियल आप देखो तो यू एक्स कितना था, 100 cos 37, 100 cos 37 मतलब 80, और 100 sin 37 मतलब 60। तो जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है तो वी वाई चेंज होता है ना बच्चों, ये तो चेंज होता नहीं है एक्स वाला कॉम्पोनेंट। तो पहले अगर ये 80 था, मतलब यहाँ पे 80 था, तो टकराने से पहले भी यहाँ पे भी 80 रहेगा एक्स में, हाँ टकराने के बाद चेंज हो जाएगा क्योंकि ई है, ई है, तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग आपकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती है। तो पहले अगर ये ई है तो आप खुद सोचो कि यहां पर क्या होगा कि वी वाई तो चेंज हुआ नहीं क्योंकि उसके अलोंग तो कोलिजन हुआ नहीं, एक्स वाला कॉम्पोनेंट चेंज होगा। तो 80 से टकरा रहा था तो टकराने के बाद कितने हो जाता है, यू से टकराता है तो ई यू, E की वैल्यू हाफ है, तो हाफ इंटू यू मतलब टकराने के बाद इसकी रफ्तार जो हॉरिजॉन्टल में आएगी वो हो जाएगी बच्चों कुछ कितनी आपका, हाफ इंटू 80, तो ये हो जाएगी 40। तो फिर ये कुछ इस तरीके से दोनों का रिजल्टेंट बना के ये ऐसे आके ऐसे नीचे गिरेगा। अब ये एक्स में कितनी दूरी पे गिरेगा ये निकालना है। अब आपको ये बात समझनी है बच्चों कि अगर सोचो ये दीवार नहीं होती तो ये प्रोजेक्टाइल कैसे जाता, तो ये प्रोजेक्टाइल यहां से अगर आप प्रोजेक्ट करते तो ये ऐसे जाता, और मान लीजिए कि 360 मीटर पे यहां पे दीवाल है,
लेकिन इसका अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट देखें तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद होगा आपको, 2uyyg, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो वाई वाली वेलोसिटी पे चेंज हो, वाई वाली वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो जब ये दीवार से जब यहां पे पूरा प्रोजेक्टाइल करेगा तब भी इसकी रफ्तार वी वाई है, और टकरा के वापस आ रहा तब भी इसकी वाई में रफ्तार वी वाई है, यानी कि इस प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई अंतर नहीं आने वाला है, भले ही टकरा के बाहर आया, क्योंकि इसकी वाई की वेलोसिटी तो कभी चेंज ही नहीं हुई किसी भी इंस्टेंट पर, मतलब ऐसे चेंज हो रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल, लेकिन इस सिचुएशन और टकराने के बाद की सिचुएशन में वाई चेंज नहीं हुआ है। अगर ये टकराता भी नहीं तो वाई में वही रफ्तार होती जो पहले थी जब वो पूरा प्रोजेक्टाइल कर रहा था, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट पे अंतर नहीं आएगा, यानी ये पूरा जाके जब वापस गिरेगा तो उसकी रेंज में अंतर आ सकता है क्योंकि एक्स चेंज हो रहा है, बट किसमें अंतर नहीं आता बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट में अंतर नहीं आएगा, मतलब अभी भी जब ये गिरेगा तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट वही होगा जो पहले था, क्योंकि वी वाई में चेंज कभी नहीं आया, वी वाई में चेंज किसी दौरान ही नहीं आया, जैसे पहले था अभी भी वैसी है वी वाई, सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट चेंज हो गया ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में चेंज नहीं हुआ, मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, अगर मैं बोलूं कि एक बार जब ये नीचे से ऊपर गया तो जाने का समय T1 है, और नीचे आने का समय, टकराने के बाद नीचे आने का समय T2 है, तो T1 T2 का सम पहले वाले टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर ही होना चाहिए था, होना चाहिए, क्योंकि पहले भी जब ये टकराता अगर दीवाल नहीं होती तो इसका वी वाई वही रहता जो अभी दीवाल होने के बाद भी है ना। तो मेरे ख्याल से आप कॉन्सेप्ट समझे हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि T1 और प्लस T2 का जो समय है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो भाई, तो 2uy टोटल टाइम जो फिर से वापस गिरने में लगा, तो 2 × 60/10, तो ये आ जाएगा कितना बेटा, देखो आप 12 सेकेंड्स, अभी 12 सेकेंड्स आ गया। T1 निकाल सकते हो आप, देखो T1 कितना टाइम है भाई, एक्स में जब वो दीवार से टकराया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने कितनी दूरी तय की, 360 मीटर, और कितनी रफ्तार से की, 80 से, तो T1 तो आप निकाल सकते हो, T1 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड 360 अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज 80, तो अगर ये आप कैंसल आउट करोगे तो 36 अपॉन बच्चों ये आप सॉल्व करोगे तो 9/2 आ जाएगा, 4 से कैंसिल करोगे, 9/2 मतलब 4.5 सेकेंड्स। अब यहां से T2 निकल आएगा भाई, यहां से T2 लिख सकते हो ना, T2 इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस T1, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है भाई, 12 सेकेंड माइनस T1 जो है 4.5 सेकेंड, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 4.5 करोगे 12 में से, तो 7.5 आ जाएगा, 7.5 सेकेंड, यानी टकराने के बाद इसको वापस गिरने में कितना टाइम लगा है, 7.5 सेकेंड। तो 7.5 सेकेंड तक वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, ये एक्स निकालना है ना, तो हॉरिजॉन्टल रफ्तार जितनी है और जितने टाइम के लिए किया है वही तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देगा, तो हॉरिजॉन्टल में रफ्तार कितनी हो गई टकराने के बाद, 40, और कितने समय के लिए वो हवा में था, 7.5, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, एक्स निकल आएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम जो गिरने में लगा है, तो 40 × 7.5, अब 40 × 70 7.5 कर दो तो ये आ जाता है 300 मीटर, तो एक्स की वैल्यू है 300 मीटर, तो दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। अब बच्चे पता नहीं यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, फिर कॉस थीटा साइन थीटा करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर थीटा को कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या, अपन को वो सब कोई करने की जरूरत है ही नहीं, आप डायरेक्ट देखो अगर आपको लॉजिक सही है तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको। तो देखिए बच्चों जो मैंने अभी आपको सवाल पूछा ना वो फिर भी मैंने आपको आसान पूछा है, जब आप बुक्स खोलते हैं तो उसमें बड़े कॉन्सेप्ट समझा के बताकर आपको बताया जाता है, जैसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आपको दिखाई देगा जब आप पढ़ेंगे कि भाई ये दीवाल है, इसमें आपने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका किसी भी वी रफ्तार से थीटा एंगल पर, ये सब वैल्यूज दी रहती है, फिर यहाँ पे जाके वो टकराया, यहाँ पे आपको डिस्टेंस दे देगा D1 है ना, फिर टकराने के बाद ये कितने दूरी पे वापस आके गिरेगा, ये D2, तो ये निकालने को बोला जाता है, और बोल दिया जाता है E की वैल्यू 1 है, जब E की वैल्यू 1 दे दिया तो ये बड़ा ही आसान हो जाता है, क्योंकि आप सोचो अगर इसकी एक्स में वेलोसिटी यू है तो टकराने के बाद भी इसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो यू ही रहेगी, क्योंकि ई की वैल्यू क्या है बच्चों, 1, तो यू से टकराया तो यू से वापस आएगा, अब इसकी हॉरिजॉन्टल में भी रफ्तार चेंज नहीं हो रही है ना, वाई में चेंज हुई रफ्तार ना हॉरिजॉन्टल में टकराने
चेंज हुई, टकराने के पहले ना टकराने के बाद। अगर सोचो यही प्रोजेक्टाइल ऐसे होता सिंपल आप ऐसे फेंकते तो ये अपना बढ़िया ऐसे रेंज कवर करता आर, ये आर निकालना जानते हो, 2ux uy/g। अब आपने यहां पे जब दीवार खड़ी कर दी भाई d1 दूरी पर, तो पहले अगर इसकी रफ्तार यहां पे u थी और ये vy थी, तो टकराने के बाद हुआ क्या है कि u इस तरफ हो गया तो उतने ही एंगल पे ये जाएगा ना। तो सोचो जो ये इमेज है, मतलब जो ये पाथ है, आप ऐसे दीवार को सोच तो उसमें किताबों में लिखा रहता है कि इसका मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज, तो इसका मिरर इमेज बना लो। तो भाई अगर ये, तो बच्चों यहाँ पे ना यू चेंज हुआ ना एक्स वाली वेलोसिटी चेंज हुई ना वाई वाली, तो ये उतने ही एंगल पे जाएगा। तो आप सोचो जो ये पाथ कवर करता दीवार नहीं होती तो दीवार होने के बाद वही पाथ कवर करेगा ना, इस पाथ का मिरर इमेज ही तो बनेगा। तो ये जो आपको d2 निकालना है, एक्चुअली में ये ही d2 होता जब टोटल रेंज होता, तो d2 को क्या लिख सकते हो, टोटल रेंज माइनस d1। तो d2 लिखा जाता है टोटल रेंज माइनस d1। अब आपको वैल्यूज वगैरह दी जाती है, आप बड़े आसानी से निकाल लेते। लेकिन मैंने तो आपको ऐसा क्वेश्चन बनाया ना जिसमें मिरर इमेज नहीं बन रही है, इसमें यू चेंज हो गया, जब आप वो क्वेश्चन कर सकते हो तो ये तो बड़े आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो बाकी बुक्स में आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको बच्चों कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, है ना, कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे। जैसे एक बार किसी एग्जाम में बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, मतलब अच्छा क्या, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे उसको लेकर। आप देखना आपको प्रैक्टिस में मिलेगा कहीं क्वेश्चन ये। इस तरीके से दो दीवार दे दिए गए, उसमें फिर क्या किया गया कि पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, इन दोनों के बीच की दूरी दी गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कितनी दूरी थी, लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो कहीं तो मिलेगा ये, किसी एंगल थीटा पे फेंका गया था, और यहाँ पे भी इस दीवार पे E1 रखा था और यहाँ पे भी E जो है वो 1 रखा था। तो यहाँ पे ये ऐसे गया टकराया, फिर टकराने के बाद फिर यहां से ऐसे गया इस वॉल में टकराया, फिर यहां से टकराने के बाद वो ऐसा गया यहाँ टकराया, और फिर वो नीचे गिर गया। तो आपसे ये पूछा था कि ये दूरी कितनी है, तो इसमें मतलब वही काम आपसे 4 बार करवा रहा है, लेकिन क्योंकि E1 है और VY में कभी भी चेंज नहीं आएगा चाहे वो कितने बार भी टकरा ले, तो इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो कभी चेंज नहीं होना। अब आप एक्स हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रफ्तार निकालते जाओ और ये दूरी देखते जाओ कि वो कितनी दूरी कवर कर रहा है, तो आप टाइम मिलता जाएगा, फिर टोटल जो ये 3 कोलिजन का टाइम है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से कैंसिल कर देना, तो लास्ट वाले का टाइम मिल जाएगा, उस टाइम को हॉरिजॉन्टल रफ्तार जो लास्ट वाली बचेगी वो भी कभी चेंज नहीं होगी। देखो हॉरिजॉन्टल क्योंकि E1 है तो वो भी चेंज नहीं होना है, ये भी अपन को पता है, बस टाइम आप निकाल लो तो उसे मल्टीप्लाई कर देना तो एक्स आ जाएगा। तो अब इस देख के बच्चे इस सवाल को घबरा जाते हैं, जबकि ऐसी कोई खास बात नहीं है, बहुत आसानी से सवाल हो गया, बस जहां एक बार टकरा रहा था वहां उन्होंने 3-4 बार टकरा दिया, और E1 है तो बहुत ही आसान है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें क्या बोला गया कि डी दूरी पर वॉल से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है √2gh रफ्तार से अल्फा एंगल पर, तो ये ऐसे वॉल पे जाता है टकराता है, और ये बोला कि टकराने के बाद अगर वो वहीं गिर जाए जहां से प्रोजेक्ट किया था वहीं पे वापस आके गिर जाए, तो ई की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होगी दीवार और वॉल के बीच में, तो ये कैसे निकालेंगे। देखो तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जाने का समय अगर T1 है तो आने का समय T2 है, VY तो चेंज होता ही नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट T1 + T2 है, तो अगर ये वॉल नहीं होती तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वही होता जो अभी भी है क्योंकि VY चेंज नहीं हुआ है, ये अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, तो उसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो T1 कितना है बेटा, तो वो आप निकाल सकते हो, मैं अभी इसको V0 मान लेता हूँ, तो V0 = √2gh मान लो, बाद में हम V0 की वैल्यू डाल देंगे, तो आपको पता है इसका एक्स की जो वेलोसिटी है वो V0 cos alpha हो जाएगी और वाई की जो वेलोसिटी है वो V0 sin alpha हो जाएगी। अब यहाँ पे आप जानते हो कि, तो देखो बच्चों यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो 2 UY/g, है ना, तो 2 V0 sin alpha/g, तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। आप चाहे तो T1 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि T1 जब था तो V0 cos alpha है ना जाते हुए रफ्तार, तो ये यहां तक चेंज नहीं होगी टकराने से पहले, और टकराने के बाद इसकी हॉरिजॉन्टल रफ्तार चेंज हो जाएगी, और जो ये V0 cos alpha इसका UE टाइम्स हो जाएगा, तो ये E V0 sin alpha हो जाएगा जब ये वापस आएगी। तो T1 आप लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन रफ्तार, जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रफ्तार थी, तो आप वैसी T1 की वैल्यू लिख सकते हो V0 sorry डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज V0 cos alpha, और T2 भी लिख सकते हो, T2 आने वाली रफ्तार जो हॉरिजॉन्टल वो E V0 sin alpha है,
सॉरी ई वी नॉट कॉस एल्फा, साइन एल्फा नहीं, क्योंकि ये वी नॉट कॉस एल्फा था, टकराने के बाद वही ई यू हो गया, तो ई वी नॉट कॉस एल्फा, तो यहाँ पे ये यह हो जाएगा डी बाई ई वी नॉट कॉस एल्फा। और आपको पता है ये कि टी वन प्लस टी टू, क्योंकि वाई में कोई चेंज नहीं आया है तो टाइम ऑफ फ्लाइट रिमेन सेम, दैट इज टी। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो टी वन प्लस टी टू जो है बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो टी वन टी टू में देखो टी वन और टी टू में क्या कॉमन आ जाएगा, वी नॉट कॉस एल्फा, तो वन बाई वी नॉट कॉस एल्फा कॉमन आ जाएगा अंदर, अच्छा डी भी कॉमन आ जाएगा दोनों में, है ना, डी वी नॉट कॉस एल्फा, तो ये बचेगा वन और प्लस ये बचेगा वन प्लस ई इज इक्वल टोटल टाइम टू वी नॉट साइन एल्फा बाई जी। तो आप एक काम करो इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा ई प्लस वन बाई ई इज इक्वल टू वी नॉट, उधर ले जाओगे तो टू वी नॉट स्क्वायर साइन कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा डिवाइड बाई जी इंटू डी, तो ये जी डी हो जाएगा। अच्छा वी नॉट की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दी है अंडर रूट जी एच, तो उसका स्क्वायर रख दो, तो यहाँ पे अगर आप स्क्वायर रख देते हैं उसका तो ई प्लस वन बाई ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, टू इंटू जी एच, क्योंकि रूट जी एच है तो उसका स्क्वायर करोगे तो जी एच आएगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, टू कॉस अल्फा साइन अल्फा को डायरेक्टली साइन टू अल्फा लिख देना चाहिए, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन टू अल्फा होता है ना बच्चों, और वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू जी एच हो गई, तो ये हो जाएगा जी डी, तो जी और जी कैंसल, तो डी इधर ले आओ तो ये हो जाएगा डी ई प्लस डी, और ई इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा ई एच साइन टू एल्फा, और फिर ई को इस साइड ले आओ तो आपका काम बन जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा कितना बच्चा, इधर जाएगा तो ई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ये पॉजिटिव क्वांटिटी, तो एच साइन टू एल्फा माइनस डी और इज इक्वल टू, यहाँ पॉजिटिव डी बचा था है ना, तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी डी अपॉन एच साइन टू एल्फा माइनस डी। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करना था, तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो देखो स्टूडेंट्स और कैसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, मतलब कोई सवालों की कमी नहीं है, मैं आपको बस दो तीन वैरायटी बता रहा हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है प्रोजेक्टाइल को मिक्स करके। जैसे एक बार और उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे एक वॉल है ऐसे, यहां से उन्होंने क्या किया कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, भाई कितना उससे प्रोजेक्ट किया हमें नहीं पता, उन्होंने रफ्तार दी नहीं थी एक्चुअली, है ना, और ना ही उन्होंने एंगल बताया कि कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया, ना तो उन्होंने रफ्तार दी ना उन्होंने एंगल बताया कि कितने से प्रोजेक्ट किया है, और बोला कि प्रोजेक्शन के बाद ये हो रहा है कि जब ये पार्टिकल यहां से टकराता है तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट जो है, मतलब ये जब टकराता है तो दीवार इतनी दूरी पे है कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट है प्रोजेक्टाइल का, टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट, और यहाँ पे जब टकराता है तो यहाँ पे जो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो ई है, फिर वो टकरा कर वापिस आता है तो वो कुछ ऐसे गिरता है ये कहा गया, और फिर जब वो ये ऐसे गिरता है फिर नीचे टकराता है, तो नीचे जब टकराता है तो वहां भी कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है बच्चों, ई है, और फिर टकराने के बाद वो ऐसे जाता है और फिर एक प्रोजेक्टाइल करता है और वापिस उसी जगह पे आ जाता है जहां से प्रोजेक्ट हुआ था। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, उन्होंने वी नहीं दिया, थीटा नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया था, केवल ये सिचुएशन उन्होंने बता दी कि एक बार ऐसे ऊपर जाता है तो दीवार पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब प्रोजेक्टाइल होगा तब टकराता है दीवार पर, फिर नीचे गिरता है एक बार और फिर प्रोजेक्टाइल लेते हुए वापिस उसी पॉइंट पे वापिस आ जाता है जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो ई की क्या वैल्यू है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मेरे ख्याल से सवाल आपको क्लियर है, सिचुएशन आप समझ चुके हैं कि क्या है। अब इसको कैसे सॉल्व करना, अब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि ना तो इसमें वी है ना थीटा है ना दूरी है, कुछ भी तो नहीं दिया आपको, और ऊपर से ई की वैल्यू, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों इसका आंसर भी बड़ा जबरदस्त है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आता है कुछ नहीं देने के बावजूद, इसलिए कई बार तो बच्चे ये सोचते हैं कि कुछ डाटा इनसफिशियंट डाटा है, जबकि अगर प्रॉपरली इसको सॉल्व किया जाए तो इसका एक प्रॉपर आंसर आता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी इसकी। देखो करके देखते हैं, आप तो ये मान लो कि मुझे भी नहीं पता, चलो ठीक है, तो थीटा भी नहीं पता, तो मुझे एक्स कॉम्पोनेंट नहीं पता ना ही मुझे वाई कॉम्पोनेंट पता, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप क्यों ना इसको एक्स कॉम्पोनेंट को यू मान लो और वाई कॉम्पोनेंट को वी मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है।
इसको यू मान लो, इसको वी मान लो। अच्छा ये बोला जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, तो मुझे ये एक बात तो समझ में आती है कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे है तो ये जो दूरी कवर कर रहा होगा टकराने से पहले, वो रेंज का आधा होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे बच्चों रेंज का आधा ही तो करता है, और रेंज का आधा क्या होगा, आर बाई टू कितना होता है भाई, आर होता है 2 ux uy/g। ux को u माना है, uy को v मान लिया है, तो यहां पर ये हो जाएगा डिवाइड बाई टू है, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ux इंटू uy अपॉन जी। तो ux है u, uy है v अपॉन जी, मतलब ये दूरी uv बाई जी है। ये तो मुझे समझ में आती है भाई, टोटल डिस्टेंस जो है। अब आपका ये बात समझे कि यहां पे जब ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक गया था टॉप मोस्ट पॉइंट तक, तो यहां से यहां तक जाने में उसने कितना टाइम लिया, उसको यहां से आ जाने, तो टॉप मोस्ट पॉइंट तक वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा टाइम लेता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2 uy/g। तो uy v है तो उसका आधा, तो v बाई जी। और फिर टकराकर जब ये वापिस आया, इसके बाद ये टकराया दीवार से, और टकराने के बाद ऐसे वापिस आया, तो ऑब्वियस सी बात है इसका y वाला कंपोनेंट थोड़ा ना चेंज हुआ है, इसका u कंपोनेंट चेंज हो गया होगा। और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन u है, तो आते समय उसकी रफ्तार u थी, x वाली तो चेंज नहीं हुई थी ना, टकराने के बाद चेंज हुई है, तो ये eu हो गई। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसको जब यहाँ पे दीवार नहीं होती तो कितने देर बाद गिरता, दीवार के बाद। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t था, तो आधा तो बीत गया, तो आधे टाइम ऑफ फ्लाइट तक, यानी जब ये वापस गिरा है तब कितने टाइम के लिए वापस गिर गया, कितने टाइम के लिए ये चला है, तो आधे टाइम पीरियड के लिए चला है, टी बाई यू, दैट इज वी बाई जी। अब सोचो इसमें एक्स की वेलोसिटी कितनी है बच्चों, ई यू, और टाइम कितना लिया उसने, वी बाई जी। तो सोचो ये दूरी कितनी है जो उसने कवर की होगी, ये दूरी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रफ्तार है इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा ई यू वी बाई जी। तो देखो बच्चों ये दूरी आ गई आपके पास, ये है ई यू वी वाई जी, देखो ये आ गया, निकाल सकते हैं हम इस तरीके से। उसके बाद फिर ये प्रोजेक्टाइल है। अब देखो जो तीसरा केस है, इसके बाद की सिचुएशन, तो उसमें अगर आप देखो तो ये दीवार है, अब ये यहाँ पे प्रोजेक्टाइल आ गया, अब टकरा रहा है, तो नीचे यू है, तो भाई नीचे जब ये टकरा रहा है नीचे की तरफ, तो जब ये ग्राउंड पे गिरेगा तो ये वही वेलोसिटी एक्वायर करेगा जो इसके चलने के समय था, क्योंकि आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल जब चलता है तो यहाँ पे रफ्तार अगर v है, यहाँ पे u है, तो जब वो टकराता था ग्राउंड पे तो नीचे v होता था और यहाँ u होता था, और दीवार लगाने के बावजूद इसकी कभी भी वेलोसिटी में तो चेंज आया नहीं, y वाली में चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब जब ये यहाँ से गिरते हुए नीचे टकराएगा तो वही वेलोसिटी होगी जो टकराता अगर ये दीवार नहीं होती, तो नीचे की तरफ v है, तो टकराने के बाद इसकी ऊपर की तरफ रफ्तार हो जाएगी बच्चों, कितनी हो जाएगी ऊपर की तरफ रफ्तार, ई यू ई वी। अगर नीचे यहाँ पे भी तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है ना, तो नीचे की तरफ टकराने से पहले वी है, तो टकराने के बाद ऊपर कितनी हो जाएगी, ई वी। और उसकी क्या एक्स की वेलोसिटी अभी भी फिक्स है भाई, एक्स की वेलोसिटी थोड़ी ना चेंज हुई है, एक्स की वेलोसिटी तो पहले ई यू थी, तो अभी भी ई यू है। तो यहाँ पे जब ये गिरा तो ये कितनी दूरी कवर कर रहा है, ये वर्दी दूरी कितनी है, तो ये इसका रेंज है जिसका एक्स कॉम्पोनेंट है ई यू और वाई कॉम्पोनेंट है ई वी। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी टोटल, ये हो जाएगा 2 ex ux, तो eu इंटू यू वी, तो ये यू स्क्वायर वी अपॉन जी। देखो बच्चों ये आ जाएगा आपका, मेरे ख्याल से क्लियर है, यानी कि ये वाली दूरी भी आपको मिल गई टकराने के बाद, ये दूरी कितनी है, देखो ये दूरी आ गई आपका 2 e² uv/g। अब देखो ये दूरी और ये दूरी का सम किसके बराबर है, uv बाई जी, जितना यहाँ पे प्रोजेक्टाइल पहले चला था, वापिस उतनी दूरी तो आ गई, इसका सम प्लस इसका सम, यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं कि eu v g प्लस इसका सम, यानी कि 2 e² uv/g मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस दैट इज रेंज बाई टू जो इनिशियल वाला है, तो ये हो जाएगा uv/g। अब आप कैंसिल कर लो भाई, यहां से देखो ev/g uv/g uv/g कैंसिल, तो ये आएगा e प्लस 2 e² इज इक्वल टू 1। तो देखो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2 e² + e - 1। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपके पास दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव वाला आंसर आपका मेन आंसर होगा, तो देखना शायद मेरे ख्याल से 1/2 आता है इसका आंसर, कैलकुलेट करके देख लेना। तो
तो इस क्वेश्चन का आंसर था, देखो एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू आई, जबकि आपको वेलोसिटी एंगल वेंगल कुछ नहीं दिया गया, बस ये कंडीशंस दी गई, लेकिन इसका एक आंसर है, न्यूमेरिकल आंसर है, वो E इज इक्वल्स टू हाफ आता है। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर होगा, क्वेश्चन क्लियर होगा।